जन्मजात बीमारी के साथ पैदा हुआ बच्चा, तो उसे रिम्स में छोड़कर भाग गए माता पिता। डॉक्टर ने उठाई इलाज की जिम्मेदारी। दो सिर जैसी बीमारी से ग्रसित बच्चे को माँ बाप रिम्स में छोड़कर भाग गए। ये बच्चा अभी रिम्स में ही है। बच्चा 3 दिनों तक डॉक्टरों की निगरानी में रहेगा। बच्चे का इलाज रिम्स के न्यूरोसर्जन डॉक्टर सीबी सहाय की देखरेख में हो रहा है। वहीं बच्चे की देखभाल करुणा संस्था के लोग कर रहे हैं। करुणा संस्था के लोगों ने बच्चे को पालने की बात कही है। डॉक्टर सीबी सहाय ने कहा है कि बच्चे को जन्मजात बीमारी है। इसी बीमारी में सर के पीछे भाग का हिस्सा और CSF बाहर निकलकर एक थैली की तरह बन जाता है, जो ठीक सर की तरह दिखता है। मेडिकल भाषा में इसे ओसिपिटल मेनिनजो इंसेफ्लाइसिल कहा जाता है। उल्लेखनीय है कि बच्चे के पिता ने ही उसकी मां को कुछ दिन पहले रिम्स में एडमिट करवाया था। भर्ती कराने के दौरान दोनों ने पता भी गलत लिखवाया था। शायद बच्चे के माता पिता को पहले से ही इस समस्या का अंदाजा था। बुधवार को बच्चे को न्यू नेटल ICU में भर्ती करने के बाद घर वाले चले गए। इस घटना के बाद डॉक्टरों ने बच्चे को बचाने की जिम्मेदारी उठा ली। वहीं रिम्स प्रबंधन ने CWC को बच्चे के अकेले होने की सूचना दी है। CWC से पता चलने के बाद करुणा संस्था के लोग बच्चे के साथ खड़े हुए। रिम्स में करुणा संस्था के लोग बच्चे की देखभाल कर रहे हैं। सूत्रों के अनुसार बच्चे के माता पिता राज्य के बोकारो जिले के रहने वाले हैं। अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।